अच्छा पीछे रहिए भाई साहब। महामंत्री श्रीमान एल जी भाई जी से कृपया आप ही बता। बहुत समय से देख रहे हैं कि अखिल भारतीय मैत्री सेवा जो संस्था है वो मैत्री समाज की एक अनूठी संस्था है। हमारा समाज धन की वर्षा करता है और उसके माध्यम से समाज मानव मात्र की सेवा करता है। उसमें लगे हुए लोगों का मेला था आज, जो अपना काम छोड़ करके इतने संपन्न लोग, इतने व्यवसायी लोग जिनके लाखों रुपए रोज का नफा नुकसान होता है, ऐसे लोग यहाँ चल करके महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात से लेकर के बम्बई से लेकर के राजस्थान के सारे लोग आज इस बैठक में यहाँ आए। ये हमारे सेवा सदन की साख है, हमारे मैत्री समाज की साख है, जहाँ पर केवल लोग पैसा देना जानते हैं और देख करके भूल जाते हैं, कभी ये भी अहंकार नहीं करते कि हमने दिया है। इस तरह के लोग हमारे समाज के, उसकी आज प्रबंधकारिणी की बैठक थी, इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी कि लोग सब भाव विभोर हो रहे थे और अभी हम होली का आनंद ले रहे थे, आप सब देख रहे हैं। और ऐसे आज की बजट में हमने अगले 12 महीने में किए जाने वाले रेक की जो लेखा जोखा पेश किया है और जो प्रस्तुति की है कि हम इतना खर्च करेंगे, उसमें हमने आज 70 करोड़ रुपए आने वाले वित्तीय वर्ष में खर्च करने की योजनाएं कार्यकारिणी के सामने पेश की है और कार्यकारिणी ने उसको स्वीकृत किया है। ये संस्था करोड़ों रुपए हर साल के खर्च करती है, अनेक योजनाएं चलाती है, वृद्धाश्रम चलाती है, विधवाओं को सहायता देती है, छात्रवृत्ति देती है, कोई ऐसा धर्म कर्म का काम नहीं जिसमें हमारी संस्था लगी नहीं है। और हजारों लोग, 2000 लोग एवरेज हमारे सदनों में ठहरते, भोजन और आवास की शानदार व्यवस्था प्राप्त करते कम पैसे पर। और ऐसा नहीं है मैत्री समाज के लोग ही ठहरते, बनाता मैत्री समाज है, ठहरता आम समाज है, ऐसे हमारे भवन है। आज अखिल भारतीय मैत्री सेवा सदन की पंचम प्रबंधकारिणी की बैठक थी और उस बैठक के बाद में होली स्नेह मिलन का और फागोत्सव का आयोजन किया गया था, जो हमारे अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार जी भूतड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और उसका कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मुझे मिला मतलब, और बहुत अच्छा आयोजन रहा। इसमें अंतिमा कासट और मकराना शाही चंग की पार्टी ने मतलब अपने गानों पे बहुत अच्छा लोगों को सुंदर प्रस्तुति दी और लोगों ने काफ़ी इस कार्यक्रम का एंजॉय किया, अच्छा कार्यक्रम रहा। आपका नाम और पद? सुरेंद्र लखोटिया, अजमेर से।